The next topic is 7.4 and it is atmospheric pressure. Atmospheric pressure. अब pressure तो हमने discuss कर लिया कि ये pressure क्या होता है. Pressure is the force per unit area. कि per unit area पे कितनी force लग रही है उसको हम कहते हैं pressure. ठीक है. Force per unit area. It means कि अगर हमारे पास area कम होगा तो pressure उतना ज़्यादा ही produce होगा. ठीक है. तो जब भी हमें pressure ज़्यादा चाहिए होता है area हमेशा कम रखा जाता है. So, ये था प्रेशर. एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारा इर्द गिर्द का ये सारा एनवायरनमेंट जो है दैट इज एटमॉस्फेयर. ठीक है. सो एटमॉस्फेयर जो है ये एयर से है. ठीक है. अब एयर का जो प्रेशर होगा ऑल सराउंडिंग्स पे, ठीक है, अर्थ पे जो एयर का प्रेशर है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से एक्ट कर रहा है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है. सो अर्थ को जो सराउंड किया हुआ है वो एयर ने सराउंड किया हुआ है. ठीक है. अर्थ इज सराउंडेड बाय, इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर. ठीक है. एटमॉस्फेयर में है क्या? सारी की सारी हमारी जो एयर है, विंड है, उस चीज़ को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है. सो अगर इस तरह से अर्थ है और अर्थ को सारा हर तरफ से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सामना करना पड़े, क्योंकि एटमॉस्फेयर है एयर. ठीक है. अब एयर में क्या होता है? एयर के पार्टिकल्स के अंदर भी प्रेशर मौजूद होता है. ठीक है. तो वो प्रेशर ऑल द टाइम अर्थ पे लग रहा होता है. अब ये वेरिएशन आती है जब हमारे पास जो है हाइट चेंज होती जाती है या डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की. किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, किसी जगह पे कम होता है. इट डिपेंड्स ऑन हाइट. सो अर्थ को जो सराउंड किया हुआ है प्रेशर ने, तो वो प्रेशर क्या करता है? हर पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता है. ठीक है. तो अगर वो हर पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता है इट मीन्स के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर टाइम हर डायरेक्शन से हम पे एक्ट कर रहा होता है. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कोई भी प्रेशर आप पे एग्जर्ट हो रहा हो. लाइक अगर कोई भी मैन है तो ऐसा नहीं होगा कि एयर का प्रेशर जो है वो जस्ट उसके हेड पे ही हो. समटाइम जो स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं उसमें क्या होता है कि हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो तेज़ हवा लग रही होती है. सो उस केस में भी क्या होता है? हर पॉइंट पे आपको इक्वली जो प्रेशर है वो एग्जर्ट हो रहा होता है. ऐसा नहीं होता कि जस्ट एक ही पॉइंट पे आपको प्रेशर लग रहा हो और दूसरी जगह फील ही ना हो रहा हो. तो अब इस चीज़ को भी हम स्टडी करेंगे फर्दर कि किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में हम देखें बैलून है, एक बैलून है जिसको हमने फिल कर दिया एयर से, एयर फिल्ड बैलून. अब जब इसमें एयर फिल नहीं थी तो वो किस तरह से था? इस तरह से था. ठीक है. बैलून जैसे जैसे उसमें एयर फिल होती गई, एयर फिल होने से क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एरिया कम है. ठीक है. तो एरिया कम है, हम हल्के से भी फोर्स लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से ये बैलून जो है ब्लो करना शुरू कर देगा. अब जो वो एयर के पार्टिकल्स इसमें जा रहे हैं वो क्या करेंगे? इसके ऊपर एग्जर्ट करना शुरू कर देंगे प्रेशर हर डायरेक्शन में. तो अल्टीमेटली क्या होगा? बैलून जो है वो इस शेप से अपनी जो भी डिजायर्ड शेप है, जिस शेप का बैलून बना हुआ है, उसमें आ जाएगा. तो बेसिकली हुआ क्या कि जो एयर पार्टिकल्स ब्लो करने के लिए हमने उसमें डाले थे बैलून में, उन्होंने हर हर जगह पे हर पॉइंट पे इक्वली प्रेशर एग्जर्ट किया एंड बैलून जो है वो फिल हो गया. अब जितनी देर हम लोग इसकी नोब को अगर प्रेस कर देते हैं, टाइटली प्रेस करके रखते हैं, तो अब वो बैलून के अंदर पार्टिकल्स रहेंगे. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि एयर पार्टिकल को हल्का सा भी कहीं से होल मिले तो वो बाहर निकल जाते हैं. तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो प्रेशर से अंदर का प्रेशर है वो कम होता जाएगा, क्योंकि एयर जो अंदर फिल हुई होती है वो बाहर निकलती रहती है आहिस्ता आहिस्ता. इसी तरह अगर हम देखें बैलून के साथ साथ के जो हमारे पास सोप बबल्स होते हैं, एक तो बैलून्स के हमने एग्जांपल देख ली कि किस तरह से इसके अंदर प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है. इसी तरह अब सोप बैलून्स में क्या होते हैं? सोप बबल्स.
सोप बबल्स क्या होते हैं, बुलबुले वगैरह, और उसमें क्या होता है, जस्ट एक लेयर होती है जिसमें आप हवा भरते हैं, ब्लो करवाते हैं जब उसको, तो वो अब फूल जाता है, एक बड़ा सा बबल बन जाता है, ठीक है। एंड अब उस बबल में वो किस तरह बना, जब आपने एयर उसमें डालनी शुरू की, उसको ब्लो करवाया, तो एयर पार्टिकल ने उसके ऊपर एग्जर्ट किया प्रेशर, एंड वो जस्ट एक लेयर से एक पूरे बबल की शेप जो है उसने इख्तियार कर ली। तो अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, अब जो बाहर का प्रेशर था, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लाइक बाहर जितना भी था वो और जो अंदर हमने ब्लो करवाने में लगाया, वो चीज़ तभी फूलती है जब दोनों का एक जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए। अब जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर का भी उतना हो गया, बाहर का भी हो गया, लेट सपोज अंदर भी 10 पास्कल हो गए, बाहर भी 10 पास्कल थे, तो ये चीज़ बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ गई और एक पूरे बबल की शेप में आ गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जैसे जैसे प्रेशर कम होता गया, क्योंकि एयर पार्टिकल्स में जो फोर्स थी वो कम होती जा रही है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो बबल है वो वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आफ्टर सम टाइम वो बबल्स के अंदर से या बैलून्स के अंदर से एयर का प्रेशर कम होता जाता है, और जैसे जैसे अंदर का प्रेशर कम हो रहा है, बाहर का प्रेशर उतना ही है जो बाहर से एयर उसके ऊपर लगा रही है। तो जैसे ही बाहर की एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और अंदर का कम हो जाएगा, तो चीज़ जो है कोई भी, या बबल हो या बैलून हो, वो अपनी पहली वाली हालत में आ जाएगा। तो अब एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हम ये जो है शो करेंगे कि किस तरह से हर डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। अभी तक हमने यही कहा कि बैलून में भी ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर एग्जर्ट होते हैं, ऑल डायरेक्शंस में, ठीक है। एंड जो एयर बबल्स, सोप बबल्स हैं, उसमें भी हर डायरेक्शन में ही एग्जर्ट करते हैं। लेकिन अब हम एक और एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि वो किस तरह से हर एक एक डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा होता है, क्यों नहीं एक ही जगह पे एग्जर्ट होता। सो इसके लिए हम एक टिन कंसीडर कर लेते हैं, एक टिन है, एंड टिन में क्या है, हमने लेट सपोज वाटर फिल कर दिए, इसमें वाटर फिल है, इसको अब हम जो है फायर से इसको हीट अप करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने हीट अप करना स्टार्ट कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एंड वो बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है, एंड वो कोलाइड भी करेंगे विद द वॉल ऑफ टिन। एंड एक टाइम आएगा कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि वो अपवर्ड वेपर्स की फॉर्म में उड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। वेपर्स बन जाएंगे या स्टीम एंड वेपर्स एक ही चीज़ है, तो वो वेपर्स बन के उड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस जैसे ही वेपर्स बन के उड़ना शुरू करें, हम इस टिन को फायर से बिल्कुल सेपरेट करके इसको एक लिड से कवर कर दिया, ठीक है, एयर टाइट कर दिया, ताकि ना उसके अंदर कोई और एयर जा सके और ना ही जो उसके अंदर स्टीम प्रेजेंट है वो बाहर निकल सके। अब इस जैसे ही हमने इस लिड को रख दिया ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो स्टीम के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, उन स्टीम पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, एंड जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम होगी, अल्टीमेटली वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन के वापस आ जाएंगे। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम हुई, स्टीम अगेन वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होगी, एंड कन्वर्ट होने के बाद अब जहाँ स्टीम ने पहले ये सारा पोर्शन कवर कर लिया था टिन का, इस तरह से टिन का ये सारा पोर्शन पहले स्टीम ने कवर कर लिया था, अब अगेन जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में उसी वॉल्यूम पे आके स्टिल हो गए। अब यहाँ पे जो जगह बची है, ये हमें क्या शो कर रही है कि पहले जो पहले केस में हर डायरेक्शन में जो है प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था, ठीक है, जैसे ही हमने उसको इतनी ज़्यादा फोर्स दी, फोर्स कहाँ से अप्लाई की गई, जो फायर दी है, ठीक है, उसके अंदर उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई, अब वो हर डायरेक्शन में जा रही थी, इसीलिए वो बाहर भी उड़ रही थी। लेकिन जब हमने उसको कवर कर दिया और उसमें फोर्स कम होना शुरू हो गई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसने जो चीज़ का प्रेशर है, जो वाटर का प्रेशर है, वो कम हो गया, एंड अगेन वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में टिन में आ गया। अब इसी टिन को हम क्या करें, कोल्ड वाटर के अंडर रख दें, ठीक है,
अगर हम काफ़ी देर के लिए इसको रखेंगे तब भी यही प्रोसेस होगा, एंड अगर हम लोगों ने फायर से उतारते साथ ही कोल्ड वाटर के अंडर रख दिए तब भी यही प्रोसेस होगा, क्योंकि ठंडे पानी की वजह से वो स्टीम की एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, एंड जैसे स्टीम की एनर्जी कम होगी वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन के अगेन जो टिन में स्टोर हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या कि वो टिन कैन में पहले जो हर जगह फोर्स एग्जर्ट हो रही थी, ठीक है, फोर्स अगर एग्जर्ट हो रही थी तो वो पूरी अपनी एक शेप में था। अब उसके अंदर जो स्टीम बनी वो बहुत ज़्यादा थी, एंड स्टीम बनने के बाद जब उसको कोल्ड वाटर से या कुछ देर रखने के बाद स्टीम जब वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुई तो उस टिन की शेप बिगड़ गई इस तरह से, जैसे हम लोग जूस के बॉक्सेस देखते हैं, डब्बे देखते हैं, उसमें क्या करते हैं पहले इतनी ज़्यादा एयर फिल कर देते हैं और जब एयर फिल हो जाती है वो फूल जाते हैं, और उसको जब बस्ट करवाते हैं या उसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वो पंच हो जाता है, बिल्कुल उसकी शक्ल इस तरह की हो जाती है। इसी तरह से टिन के जो हम लोगों ने बॉक्स लिया उसके साथ भी होगा, जब हम लोगों ने इतने हाई टेम्परेचर पे उसको पहले तो स्टीम में वाटर को कन्वर्ट करवा दिया एंड देन उस स्टीम के ऊपर जब हमने ठंडा पानी डालना शुरू किया तो उसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट सी हो गई, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था। अब जैसे वो प्रेशर कम हुआ है उस बॉडी की शेप बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। इसी तरह अगर हम प्रेशर कुकर्स में देखें तो प्रेशर कुकर में उस प्रेशर कुकर की शेप चेंज नहीं होती क्योंकि वहाँ पे हमने किसी और मटेरियल का बनाया होता है कुकर, लेकिन होता बेसिकली उसमें भी यही है कि जब हमने कुक करना होता है किसी भी चीज़ को क्विकली, ठीक है, तो सब उसको कुकर में रख देते हैं एंड जितनी स्टीम बनती है स्टीम जो है वो उसको कुक कर देती है, बेक करवा देती है, तो यही प्रोसेस हो रहा होता है कि हम लोगों ने उसको फायर देके एयर टाइट कर दिया है और मॉलिक्यूल्स ने जो भी अंदर प्रेजेंट थे उन्होंने काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा गेन कर लिया एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम उसके अंदर स्टोर हो गए। तो इसीलिए जब प्रेशर कुकर्स को भी उतारते हैं फायर से अलग करते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि वो स्टीम जो है वो कम हो जाए और उसका प्रेशर कम हो जाए। स्टीम में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि अगर आप उसको फ़ौरन खोल देंगे तो वो आपको बर्न भी कर सकती है, जला सकती है, तो ये बहुत डेंजरस होता है। इसीलिए स्टीम को सबसे पहले बिल्कुल कूल डाउन होने दिया जाता है ताकि उनके अंदर जो प्रेशर प्रोड्यूस हो चुका है वो कम हो जाए। सो इस तरह पता चलता है कि जो प्रेशर है हमारा वो हर एक एक डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है।